और कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे, मैं आया हूँ झांसी के फोर्ट पे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे एक भाई हैं विनय भाई, उनने एक लाइव स्ट्रीम किया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है और मैं जल्दी से मैंने सोचा कि मुझे अपने भाइयों को भी दिखाना है झांसी में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और वो लोग ना देख पाएँ, फिर क्या मतलब मेरा चैनल बनाने का, इसलिए मैं आया हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसा प्रोग्राम हो रहा है, और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि और भी ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो मैं आपको दिखा सकूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने लाइव में देखा था। चलिए कितना भी मिले, कुछ तो छूट गया है अपना स्टार्टिंग का, लेकिन जो भी मिलेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों आप इस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। दिन में तो आपने बहुत सारे फोर्ट घूमे होंगे, मैं आपको रात में घुमा रहा हूँ झांसी का फोर्ट। देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे झांसी का। गेट पर पहुँच गए और देखिए अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि फोर्ट है, काफ़ी पुरानी जगह रहती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने दिन में देखा होगा, दिन के कुछ अलग नज़ारे हैं, रात के नज़ारे देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए कुछ अलग ही लाइटिंग है, कुछ अलग ही चमचमाता हुआ लग रहा है, और झांसी का किला लग नहीं रहा है कि मैं झांसी फोर्ट पे हूँ। ये देखिए दोस्तों, शायद यहाँ नीचे साइड प्रोग्राम चल रहा है और हम चल रहे हैं। चलो भागो 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 भागो, भागो। ज़्यादा तेज नहीं, मैं थक गया यार। आगे देखिए किस कदर अंधेरा है और मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। पर यहाँ पर चमगादड़ भी उड़ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है, लेकिन वाह देखो। अधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया।
उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ, राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कनक बिजली और भवानी शंकर नाम के तोपों से सलामी दी गई। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य संगीत नृत्य नाटक की रसोशा होती रहती थी। नाट्यशाला में मधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली ही कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं ठीक यही वो फांसी का था। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जा रही थी। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक अपराधी की चीखें सुनी, उनका मन विचलित हो रहा। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसी घर को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज, फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दें, आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी गले की फांसी नदिया गले का हार सिर्फ कहानियों की बात रह गई। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी, देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई थी। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को
उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी दे दी है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेस में लुटेरे हैं आप लोग, आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से तहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियार कर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने शांति से समझाया, श्रीमान मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूँ। देखिए अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक ही नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई, असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में लिखा है, भगवान प्राप्त स्वर्गम छाती पर बंदुआ दाग की तरह काट दिया गया। चिरंजीव को मतलब छाया खेती झांसी का सुख वैभव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अन्ना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरो पंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अपना साहब पेशावर को कहें कि निश्चिंत रहे, इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन सबसे पहले 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हमला हो गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया, लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जारी हो गई। अब बारी थी झांसी। पांच जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्थानक फोर्ट पर हमला बोल दिया जो अंग्रेजी कंपनी का दिन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में पना ली। इस समय तक विद्रोह सीमांकन कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं, ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की
झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत करी रही कि एक दिन मोदी भाई एक बुरी खबर ले आए। सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बीजापुर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को उजाड़ दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमान, बुरी खबर आई है मोदी भाई, बहुत बुरी। जी हाँ श्रीमान, पता चला है कि तात्या और राव सांतो के 20,000 सिपाहियों के साथ कानी के डटे हुए। लेकिन श्रीमान, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीम लाखा को कुछ पता नहीं कि वे लोग कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहाँ भी हो सुरक्षित, अंग्रेजी फौज की सीमा पर नहीं है, कैसे भी कोई खबर नहीं है। जी श्रीमान, राहतगढ़ और बांधपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया, पर वहाँ के हालात की पूरी जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल हिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये तिरंगे लौटेंगे। हमें पूरी तैयारी कर ली थी। वो दिखाई चूली को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास कार की भेजी। तुरंत वो तात्या से कहे कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमान, राहतगढ़ से भी बुरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खान को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके भाई अपने रिश्तेदार भोल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारूद के धमाकों के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हो गई। उधर किले के बुर्ज पर पहले गौस था और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ही सुपुर्द खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डट कर मुकाबला करेगी। वेशभूषा के कारण जलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने गए। जलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने दी, अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार, पीठ पर मंगा की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई
खुश आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण चुकाने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। उसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते, लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। एक नाले के पास पहुंचकर ठहर गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठर गया समय, ठिठर गई दिशाएं, ठिठर गई थी मेरी भी सांस। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी के मंजर की तरह लड़ती रही। तभी एक अपघाती दरिंदर ने उनकी पसलियों के पास तलवार सवार किया। रानी चोटे हो गई, उनके शरीर से खून बह रहा, पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से डर गए। एक एक कर शत्रु धराशायी हो गए। किसी ने उनके सर पर वार किया। इस बार उनकी आंख सूखी हो गई, जब उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। समझ देखा कि रानी नख से शेर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लड़ गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले ही रानी के शब्द। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा जल डाला। थोड़ी देर में रानी की आंखों में उनके आखिरी शब्द थे, हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की के बंधनों को आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी। सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने के लिए के संग खेली थी।
तो देखिए हम लोग देख चुके हैं यहाँ से जो कार्यक्रम चल रहा था, जो मंत्री जी जा रहे हैं, और कार्यक्रम खत्म हो गया। ये चले गए, अब हम भी चलते हैं बाहर। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। देखिए आपके लिए कितना जल्दी जल्दी आया कि ऐसा प्रोग्राम जो झांसी में हो रहा है और आपको ना दिखाया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो मेरा चैनल बनाने का मतलब ही क्या हुआ यदि मैंने झांसी के कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको नहीं दिखा पाया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद जिन लोगों ने लाइक किया, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें।